मुख्तलिफ सियासी जमातों के केसेस तो नैब एहतसाब अदालत में चल ही रहे हैं, तो दूसरी जानिब शरीफ फैमिली के लिए भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ नैब केसेस दोबारा खुलने का इम्कान है। मजीद जानते हैं अनुस्लमंदे सईद बलोच से। जी सईद बलोच, आगाह कीजिएगा। शरीफ फैमिली के लिए भी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ नैब केसेस दोबारा खुलने का इम्कान है। आपको यहाँ पर अपडेट करें हैं कि हमजा शहबाज भी रमजान शुगर मिल केस में जेल में भी रहे हैं। मरियम नवाज को भी चौधरी शुगर मिल केस में गिरफ्तार किया गया था। शहबाज शरीफ, हमजा और दीगर के नैब केसेस फिर खुलने का इम्कान है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ, हमजा और दीगर के नैब केसेस फिर खुलने का इम्कान है। नैब ने आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केस दर्ज किए थे। शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग केस में गिरफ्तार भी किया गया था। हमजा शहबाज भी रमजान शुगर मिल केस में जेल में भी रहे हैं। मरियम नवाज को भी चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार किया गया था। आपको बता रहे हैं कि एक तरफ दीगर सियासी जमातों के केसेस खुल रहे हैं, तो दूसरी जानब शहबाज फैमिली के लिए भी मुश्किलात खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के नैब केसेस फिर खुलने का इम्कान है। नैब ने आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केस दर्ज किए थे। शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग केस में गिरफ्तार भी किया गया था। हमजा शहबाज भी रमजान शुगर मिल्स केस में जेल में भी रहे हैं। मरियम नवाज को भी चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार किया गया था। शरीफ फैमिली के लिए मुश्किलात अब बढ़ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ नैब केसेस दोबारा खुलने का इम्कान है।